जनता पार्टी की ओर से आज नायलॉन मांजा का विरोध करते हुए जन जागृति कर बाइक रैली निकाली गई। इसके साथ ही नायलॉन मांजा जलाकर होली की गई। यह जन जागृति रैली का आयोजन भाजपा के परशु ठाकुर द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्व पार्षद रूपाली ठाकुर एवं भाजपा महिला पदाधिकारी, भाजपा पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी दिन से जन जागृति कर रहे हैं, जिसमें हमने पुलिस कमिश्नर जी से मुलाकात की, उन्हें निवेदन दिया, जिला अधिकारी इटनकर जी को निवेदन दिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी से मुलाकात की, उन्हें भी इस बारे में, इस विषय पर उनके साथ में भी चर्चा की, शहर के तीनों आयुक्तों के साथ में चर्चा करने के बाद में हम जन जागृति के लिए निकले हैं। और जगह जगह पर अवेयरनेस होना चाहिए, नायलॉन मांजे से जो गर्दनें कट रही है, जो जाने जा रही है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, ऐसे बेगुनाह नागरिक इस नायलॉन धागे का शिकार हो रहे हैं। और कुछ पतंगबाज, जला अपन मराठीत आंबट शौकीन म्हणतो, ऐसे ये आंबट शौकीन लोग, हमारा शौक ज़्यादा महत्व का है, किसी की जान की हमें परवाह नहीं है, इस उद्देश्य के साथ में नायलॉन को अभी भी वापर रहे हैं। तो हम उनके खिलाफ, ये नायलॉन धागे के खिलाफ एक जन जागृति रैली निकाल रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी का जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और अवेयरनेस के लिए ये नायलॉन मांजे का विरोध में ये जन जागृति रैली निकाली जा रही है। हमारे कुछ दिनों से जो कैंपेनिंग हम कर रहे थे, उसमें कई युवाओं ने अपनी गलतियों को मानकर नायलॉन को हमारे पास जमा किया है, नायलॉन धागा हमारे पास जमा किया है। कुछ दुकानदार जो गलतियां मानकर हमारे पास में, उन्होंने अपनी चक्रियां नायलॉन की हमें दी है, ये सारी नायलॉन के धागे की चक्रियां रैली निकलने के बाद हम यहां पर उसकी होली जलाने वाले हैं।